जी ने भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आगे चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं। अब मैं याद करिए आपका वोट हमने लोगों के साथ में जाता था तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मुमताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा नगर मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हरेक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है ये आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है, गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है और सही दिशा में जाता है, सही पार्टी को जाता है तो वह देश को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के आपकी आस्था का सम्मान कर देता है। आप मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी किस रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया, चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता। अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से ही प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है, देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है इसीलिए हमने कहा भी महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर के